हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है काइन मास्टर से जो है एक एजुकेशनल एजुकेशनल वीडियो एकदम कैसे बना सकते हैं, वो भी जो है काम डाउन के साथ, जो है जो 3 2 1 करके आता है, उसके बाद आंसर आता है एनिमेशन के साथ बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जो है आपको सिखाता हूँ। चलिए उसके बाद अभी पहले जो है लाइक, वीडियो को लाइक नहीं किए तो भाई एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। उसके बाद जो है चैनल को नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मित्र चलते हैं। सबसे पहले आपको जो है आपका अपना काइन मास्टर जो है, आप अपने काइन मास्टर को ओपन करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ काइन मास्टर है, तो मैं इस पर टच किया और ओपन कर दिया। तो मैंने जैसे ही इसको टच किया तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आ गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा काइन मास्टर। तो उसके बाद मित्र जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर जो है 16:9। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना, आप देख सकते हैं जैसे मैंने उसके वहाँ पर ओपन किया तो हमारे स्क्रीन पर इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर आपको जाना है, आप देख सकते हैं ये मीडिया, तो यहाँ पर आपको मीडिया पर चले जाना है। मीडिया पर आप देखेंगे तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं इतना आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर बैकग्राउंड दिख रहा है, बैकग्राउंड को क्लिक कर देना है। तो आप जैसे बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे तो इतना ढेर सारा जो है बैकग्राउंड जो है ढेर एकदम बहुत सारे आ जाएंगे। तो आपको इसमें से जो चाहें उसमें से ले सकते हैं। तो मैं इसमें से वाइट ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने वाइट क्लिक किया। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक करना आपको पड़ेगा इस सही के निशान पर, उसके बाद यहाँ पर वाइट पर, इसको आप जो है इसका बढ़ा देंगे, आप जितना चाहेंगे जितना चाहते हैं उसके अनुसार जो है 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट जितना चाहते हैं वीडियो बनाना चाहते हैं जिसके अनुसार आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए तो आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से आ गया। तो अब आपको जो है क्या करना है, तो आपको जो है यहाँ पर अब इस पर जो है आपको लिखना है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना है इस पर। तो लिखने के लिए आप जो है यहाँ पर लेयर पर जाइए, आप देख सकते हैं लेयर पर क्लिक करिए, जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद आप देख सकते हैं टेस्ट टी छपा हुआ है, टी पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे पर इस तरह से आ गया। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं कहीं लिख के रखा हूँ, तो मैं जो है कहीं लिख के रख दिया हूँ, तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ जहाँ मैं लिख के रख दिया हूँ पहले नोट पैड पर। तो जो है मैं वहाँ से ले लेता हूँ, जो है कॉपी कर लेता हूँ, आप भी चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर को लिख के रखा हूँ, ये नोट पैड है। इसके बारे में मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा एकदम अच्छे से, पार्ट पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन ए आंसर रहेगा एकदम पार्ट बाय पार्ट। कृपया इसलिए बोल रहे हैं हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी किया और इसके बाद यहाँ पर टेस्ट पर जाकर पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट जैसे किया तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है क्वेश्चन भी वाइट है। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा एडजस्ट यहाँ पर खींच कर आप थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इतना बड़ा किया। तो इसका कलर बदलने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर जो है टेस्ट है ये दोनों पर, पहले आप चले जाइए कलर वाले पर। कलर पर आपको रखना है जो है आप जो चाहें वैसा कलर को रख सकते हैं। तो चलिए मैं रख देता हूँ ब्लैक, तो मैंने ब्लैक रख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको जैसे यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, तो आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एकदम अच्छा खासा शैडो वगैरह ग्लोबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं ठीक, तो यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ से जो है आप जो चाहे तो उसके अनुसार से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो है धान के जो है धान जो हमारा होता है धान के खेतों में अधिक उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है।
तो आप देख सकते हैं हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप जो चाहें यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लगा सकते हैं, मोटा पतला आप जो है कर सकते हैं एकदम अच्छे से। तो चलिए जो है आपका एक क्वेश्चन आ गया, अब आपको जो है काम डाउन लगाना है जो है, आप इसको भी क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बड़े कर लेना है ठीक। आपको जो है एक बात के ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका ये जो लगाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन के थोड़ा आप दिख रहा है ना इतना, मतलब थोड़ा दूरी पर लगाएंगे छोड़कर, मतलब कुछ जगह, तो आप देख सकते हैं मैंने छोड़ कर इतना, उसके बाद मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको सिर्फ थोड़ा पकड़ कर ऊपर उस तरफ तरह दाएँ की तरह करते रहना है बस। आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से इतना आ गया ठीक। तो चलिए मैं जो है यहाँ पर यस किया, उसके बाद जो है आ गया। अब आपको करना क्या है, अभी देख सकते हैं जो है क्वेश्चन आपका ये आ गया ठीक। अब जो है यहाँ पर इसको आप पूरा कर देंगे, यहाँ पर से भी ले सकते हैं बैकग्राउंड से, कोई दिक्कत नहीं ठीक। तो मैंने ले लिया, तब आपको लगाना है काम डाउन जो आपका जो है, तो जो कि 5 तक आता होता है अधिकतर, तो मैं टाइम जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए 3 तक सिर्फ, मतलब 1, 2, 3 तक लगाऊंगा ठीक है, कुल समझाने के लिए। तो सबसे पहले उसको लगाने के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा जो है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा लेयर, लेयर पर जाना पड़ेगा, तो लेयर पर वही हो टेक्स यहाँ टी दिख रहा होगा, टी पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना है जो है अंक लिखना है, तो आप जो है चाहे 5 से कर सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, तो मैं समय बचाने के लिए सिर्फ 3 कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया, तो मैंने इसे थोड़ा बड़ा कर लिया, कहाँ बड़ा कर लिया यहाँ पर इसको जो है इस कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कलर जो है कलर मैं ब्लू कर ले रहा हूँ यहाँ से ठीक। आप देख सकते हैं हमारा इतना बड़ा आ गया, तो हमारा जैसे इतना बड़ा आया तो उसके बाद जो है हमारे प्यारे मित्र, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसको साइज कर देना है, ड्यूरेशन लेना है, ड्यूरेशन आपको ड्यूरेशन कितना रखा है 1.7 कुछ करके इसे आपको रख देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है ठीक। आप ये देख सकते हैं हमारा 1.7 आ गया। अब आपको जो है इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा बड़ा छोटा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ओके कर दीजिए। फिर आपको कहाँ जाना है, वहीं लेयर पर, लेयर के बाद टेक्स्ट पर, टेक्स्ट के बाद जो है आपको टाइप कर देना है 2। अब आपको इसको बड़ा करके इसी के सामने ध्यान दीजिएगा जो है 3 है बिल्कुल इसी के सामने, इसी के ऊपर एकदम आपको रखना है। इसका भी कलर आप जो है ब्लू कर लीजिए आप जैसा चाहेंगे, तो मैंने ब्लू कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके साइज करूँ एकदम सटा के बल्कि कर दूँगा, आप एकदम आराम से देखेंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक। और कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारा आ गया, तो इसका भी जो है ड्यूरेशन लगा दूंगा मैं 1.7 जो है आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए आप लोग कोई दिक्कत मत रखिएगा ठीक। 1.7 जो है बड़ छोटा हो सकता है लेकिन 7 जरूर रहना चाहिए ठीक। आप देख सकते हैं हमारा आ गया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ओके किया। अब आपको जो है देख सकते हैं 3, 2 उसके बाद 1 आपको लगाना है, तो 1 लगाने के लिए वही सेम लेयर पर जाना है, लेयर के बाद 1 पर क्लिक करें, उसके बाद कर देना है बड़ा करना है ठीक। जो है बड़ा कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा कर देना है। पहले यहाँ पर जो है आपको कलर बदल दीजिए, कलर तो मैंने ब्लू कर दिया हूँ कोई दिक्कत नहीं ठीक। जो है मैंने किया तो उसको जो है उसके अनुसार आपको कर देना है, आप देख सकते हैं ध्यान दीजिएगा बस, मतलब एक रहे एक के ऊपर एक रहे और क्या। आप देख सकते हैं हमारा जो है 3 के ऊपर 2 है, 3 के ऊपर 2 है, तो आपको जो है 2 पर कर देना है। तो इसको हल्का सा जो है एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जो है
बनेगा नहीं अच्छे से, जो है आप थोड़ा एकदम अच्छे से समय पर देख सकते हैं, मैंने जो है कर दिया एकदम सीधा सीधा कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ही इसको भी कर देना है, आप देख सकते हैं जो है तीन आया, तीन के बाद वहीं पर दो आ गया, दो आने के बाद जो है एक आ गया। ठीक, आप इस तरह से इसका भी ड्यूरेशन कम कर दीजिए, जो है 1.7 जो है जो होता है आप उसे कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं मैंने कर दिया। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं 3 2 1 जो है यहाँ पर जो है इसको हल्का सा करके कर देना है। ठीक, आप देख सकते हैं 3 2 1। उसके बाद मित्र आपको एंसर लिखना है, तो एंसर लिखने के लिए भी आपको जो यहाँ पर जाना है वही काम, लेयर पर आपको जाना है, टेस्ट पर जाना है। टेस्ट के लिए तो मैंने जो है लिख के रख दिया हूँ कहीं एंसर भी, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एंसर लिखा हूँ, तब जो है मैं इसको लेके चला जाऊँगा, यहाँ से कॉपी किया उसको वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। समय बचाने के लिए आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट किया, अब हमारा ये आंसर आ गया। आंसर का भी जो है मैं जो है कर देता हूँ कलर, जो है आंसर का कलर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक, आंसर का कलर मैंने रेड कर देता हूँ, तो आपको भी यहीं पर लेके आना है, आप देख सकते हैं यहीं से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आपको जो भी है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप हल्का से इसको बढ़ा लीजिए, एकदम अच्छे से रखिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक, एकदम आसान तरीके से, तो आप देख सकते हैं हमारा हो गया 3 2 1। 1 थोड़ा छोटा है तो मैंने बड़ा कर लिया। ठीक, उसके बाद आंसर आ गया। आंसर को भी जो है आपको क्वेश्चन को उतना कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कर दिया। ठीक, आप देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन को भी आंसर के बराबर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ख़त्म तो आंसर ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप जो है ले लीजिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक, अब जो है अब आपको जो है एनिमेशन लगाना है, तो आप देख सकते हैं जो 3 है, 3 में जाइए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा इन एनिमेशन, क्या दिख जाएगा इन एनिमेशन, तो यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ आपको दिखोगा POP पप जो है लगा देना। उसके बाद 2 में भी वही सेम इन एनिमेशन POP पप, उसके बाद 1 में भी इन एनिमेशन POP पप। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर जो है एंसर में लगाना है आपको इन एनिमेशन, उसी में जाना है, लेकिन आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो है, क्या दिख जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ध्यान दीजिएगा, लेटर बाय लेटर, क्या दिख जाएगा, लेटर बाय लेटर बाय लेटर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, थोड़ा नीचे जाएंगे तब, तो जो है मैंने इसको कर दिया। ठीक, आप देख सकते हैं इस तरह से दिखा। अब इसका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सेट कर देना है, तो आपको यहाँ पर रखना है कितना रखना है, आपको यहाँ पर रखना है जो है 2.5 के बीच, या 2 रख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से बन गया, आप थोड़ा मैं आप चला के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप देख सकते हैं जो है आपका टाइम शुरू हुआ 2 1, आंसर अब आएगा, देख सकते हैं आपका आंसर आ गया, तो आप इसी तरह से जो है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जो है आप लगा सकते, इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पर भी क्वेश्चन टाइप करिए, जो है आप क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, उसके बाद ओके करिए, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो है यहाँ से, मैं चलता हूँ आपको यहाँ प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, काम डाउन चल रहा है, उसके बाद आंसर आ गया। इसी तरह से आप जो है
कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए यार प्लीज़, और कमेंट नहीं किए हो तो जो है कोई भी दिक्कत होता है कमेंट करेगा। हाँ, अभी तक हमारा जो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, मैं इससे भी सरल उसमें तरीका बताया हूँ, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं दे दूँगा।